आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी ड्रिंक्स शेयर करूंगी जो मैं डे टू डे बेसिस पे कंज्यूम करती हूं, जिससे मेरी स्किन ग्लोइंग, क्लियर और मेरी बॉडी हेल्दी रहती है। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी अपूर्वा वैश। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैं एक ड्रिंक कंज्यूम करती हूं, जो है डिटॉक्स वाटर। उसके लिए मैं वाटर लेती हूँ, उसमें मैं हाफ लेमन कट कट के स्क्वीज करती हूँ। आप यहाँ पे लुकवॉर्म वाटर भी ले सकते हो, उसके और भी ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 टेबल स्पून हनी, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नाउ आवर डिटॉक्स वाटर इज रेडी। सो मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले मैं ये ड्रिंक पीती हूँ, क्योंकि इसे पीने के बाद मेरी बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो फ्लश आउट हो जाते हैं, इससे हमारी बॉडी क्लीन हो जाती है और हमारी स्किन भी ग्लोइंग और हेल्दी हो जाती है। तो इसमें हमने डाला है लेमन, जिसमें होता है विटामिन सी, और हम सबको पता है विटामिन सी हमारी स्किन को क्लियर करता है, पिगमेंटेशन को लाइट करता है, टर्मरिक हमारे डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है और हमारी स्किन को ब्राइटन बनाता है। सो मेक श्योर यू ड्रिंक दिस एवरी मॉर्निंग एंड गिव योरसेल्फ अ थम्स अप। सो नेक्स्ट ड्रिंक इज रेजिन वाटर। इसके लिए हमें एक रात पहले से प्रिपरेशंस करनी होती हैं, तो मैंने एक ग्लास वाटर लिया है, जिसमें हम अराउंड 8-10 रेजिन्स सोक करने के लिए रखेंगे ओवरनाइट। मॉर्निंग में हमें इसे कंज्यूम करना है, मतलब हमें रेजिन्स को च्यू करके पहले खाना है एंड देन उसका वाटर भी कंज्यूम करना है। रेजिन्स में तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे स्किन से रिलेटेड और हमारी बॉडी से भी। इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ऑल्सो कंटेन्स विटामिन ए, ई एंड लॉट्स ऑफ मिनरल्स। इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस रिंकल्स, ये साइन ऑफ एजिंग रिड्यूस करता है और हमें यूथफुल ग्लो भी देता है। सो नेक्स्ट इज द ग्लो अप ड्रिंक। तो जिसके लिए हमें चाहिए कैरेट्स, तो कैरेट्स को मैं यहाँ चॉप कर रही हूँ। उसके बाद हमें चाहिए बीट रूट, उसको भी हमें चॉप कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए टमेटो, इसे भी मैं चॉप कर लूँगी। एंड टमेटो के बाद हम लेंगे थोड़ी सी जिंजर एंड हाफ लेमन। इन सारे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स को हमें ब्लेंड करना है। इस ड्रिंक में आप थोड़े और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे आप इसमें पोमीग्रेनेट ऐड कर सकते हो, क्यूकम्बर ऐड कर सकते हो, या कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल जो आपको सूटेबल लगे वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। एंड नाउ आवर ग्लो अप ड्रिंक इज़ रेडी। मैंने इसको ब्लेंड करके स्ट्रेन नहीं किया है, आप चाहे तो स्ट्रेन करके इसका जूस भी निकाल सकते हो, पर मैं इसे एज अ स्मूदी कंज्यूम करती हूँ और मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस ड्रिंक में वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारी स्किन को हेल्दी ग्लोइंग बनाने में हेल्प करेंगी। अब आप इसे डेली भी ले सकते हो या ऑल्टरनेटिव डेज पे भी कंज्यूम कर सकते हो। ये ना बिल्कुल ऐसे फुलफिलिंग ड्रिंक होती है, सो मेक श्योर आप इसे ट्राई ज़रूर करें। तो नेक्स्ट ड्रिंक इज कुकम्बर एंड मिंट ड्रिंक। सो इसके लिए हमें चाहिए होगा क्यूकम्बर, ऑफकोर्स क्यूकम्बर तो लगेगा ही, तो उसे हम ऐसे पील कर लेंगे, उसके बाद चॉप कर लेंगे एंड फिर उसमें हम ऐड करेंगे मिंट लीव्स। तो ये ड्रिंक थोड़ा समर अप्रोप्रिएट है। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हमें ब्लेंड करना है और साथ में हम थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी डालेंगे इसमें। सो अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे, जिससे जितने भी सीड्स होंगे वो निकल जाएंगे। तो ये जूस हमें परफेक्ट रिफ्रेशमेंट देगा और हमारी बॉडी में जितनी भी पानी की कमी होगी उसे भी पूरा करेगा, क्योंकि गर्मियों में हमारी बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, जिससे हमारा स्किन उतना ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग नहीं दिखता है। सो ऐसे ड्रिंक्स पीने से हमारी बॉडी में हाइड्रेशन मेंटेन रहता है और हमारी स्किन भी ग्लोइंग दिखती है। सो नेक्स्ट ड्रिंक इज अ फ्रूट जूस। तो आज हम वाटरमेलन का जूस बनाएंगे, क्योंकि ये सीजनल फ्रूट है, साथ में इसमें वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो ये और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वाटरमेलन को चॉप करके हमने उसे ब्लेंड कर लिया है, स्ट्रेन भी कर लिया है, जिससे सीड्स निकल जाएंगे। एंड आप इसे चिल सर्व कर सकते हो, इसमें आइस भी ऐड कर सकते हो, मैंने भी लास्ट में की थी। बिलीव मी, ये इतना ज़्यादा यम्मी लगता है, आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और लेमन भी ऐड कर सकते हो, पर मैं यूजुअली अवॉइड कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही इतना टेस्टी लगता है। सो मेक श्योर आप अपनी डाइट में फ्रूट जूसेस को ज़रूर ऐड करें, कि उससे हमारी स्किन में विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी और हमारी स्किन यूथफुल, ग्लोइंग और हेल्दी दिखेगी। सो गाइस, दिस वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। एंड या, कीप स्माइलिंग, कीप लविंग। बाय बाय।